नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल से आपको बताना चाहेंगे कि रात को एक बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी जबर सिंह जो है अपने घर से पेंशन लेने के लिए निकलते हैं। दिन से जो निकले हुए थे उसके बाद जब रात तक घर नहीं आते हैं तो पता चलता है कि वो लापता हो गए हैं। लेकिन अब आज जो है उनकी डेड बॉडी जो है शव गृह में मौजूद है। कल्पना चावला, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसे लेकर वो निकले थे, पेंशन के पैसे लेकर जो है वो निकले थे, उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं चलता और आज जो है सीधा उनकी जो है डेड बॉडी बरामद होती है। तो मैं सभी से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और परिवार से जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला, उनको किस तरह इस बारे में पता चला। मिले तो हम भी भागे भागे आए तो डॉक्यूमेंट लिए तो पुलिस वाले ने थोड़ा डॉक्यूमेंट मिलते हैं नमस्ते चौक पे और डेड बॉडी बता रहे हैं कि भी थोड़ा अग्गे ठेके के पास खड़ी आसपास में मिले, हमें पता नहीं अभी वो पुलिस वाले भी आए नहीं है, सेक्टर 4 चौकी वाले थे तो ये हमने पता जैसे ही पहले कलवा चला हम तो फिर दौड़े यहीं आ गए। किस वक्त की बात है ये सुबह की? लिखते तो कल बजे कल 11 बजे कल दोपहर को 2 बजे घर से निकले थे वो। नहीं नहीं, घर से 11 बजे निकले, 11 बजे से 11 बजे निकले। अच्छा, और बॉडी किस टाइम मिली है? बॉडी तो आज सुबह बतावा मिली, आज सुबह मिली। हां जी, तो हर महीने इसी तरीके से आते हैं? हां जी। तो पेंशन निकलवा ली थी उन्होंने? हां जी, 49000 रुपए की एंट्री है कॉपी में उसकी। पैसे मिले फिर उनके पास से? नहीं मिले कुछ, नहीं मिला जी बाकी कागज। तो मतलब हो सकता है कि कोई चोरी करके ले गया और लूटपाट करके ले गया? क्या इसमें ये सरेआम बात? अरे क्यों रहे उस साइड तो जाने का मारा, तू क्यों नहीं बनता? बैंक कहां पर है जहां पर? बैंक तो बस स्टैंड के पास है, कमेटी चौक के पास। अच्छा, वो नमस्ते चौक तो बिल्कुल अलग एरिया पड़ता है, वो तो जमी साइड में चली है, वहां तो जरूरत नहीं पड़ती मारा जाने का, उसका कुछ भी मतलब खाना नहीं। बस स्टैंड पाएंगे, बस स्टैंड से सीधे गांव में जाएंगे, वहां तो ले पीछे लकड़वा के बस स्टैंड पर बस में बैठा अपना गाँव में जा रहे हर महीने। ये अलग ही मैटर है जी, लूटपाट का मैटर है और उसमें इसका काम तो पोस्टमार्टम में कुछ सामने आ पाया कि कारण क्या रहा है मौत का? अभी हुआ तो नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं, किसी के साथ कोई बातचीत थी? मतलब हर बार भी मैं जा रहा हूँ करनाल अपने पेंशन लेने के लिए, हर महीने की बात। ये तो पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? अभी तो कुछ भी नहीं है, मतलब उस तरह अकेले आते भी गाने पर अभी तो हम खड़े, आप खड़े देख लो कहाँ पुलिस है, कहाँ देखाओ ना कहाँ है, बताओ कहाँ पुलिस? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई यार। क्या कुछ मांग रही थी आप? कुछ भी नहीं है, हम खड़े हैं। दोषियों का पता लगाओ, उसका पता लगना चाहिए, कैमरे की लोकेशन होनी चाहिए, बैंक की लोकेशन कटवाओ, नमस्ते चौक पे भी कैमरे होंगे, वहाँ भी दिखना चाहिए। तो एक और है ना जी, ये काम तो पुलिस करेगी ना, हमें कौन दिखाओगा? रात रुका दे दिया था, सुबह 11 बजे निकले थे वो। कौन से थाने में पर्चा दर्ज कराया था? ये अपना जो सिटी है, सिटी थाने में। हाँ जी, और सेक्टर 4 की चौकी वाले उसको उठा कर ले आए। हर महीने खुद ही आते थे? हाँ जी, खुद आते थे, हर महीने आए करते थे, निकलवा कर ले जा करते थे। अब बल्कि पिछले महीने को नहीं आए थे, मैं 2 महीने की सैलरी थी उनकी, तो अब की बार 49000 रुपए निकलवाए कल उन्होंने, कल 49000 की एंट्री, कल सारे निकलवा के 49000 रुपए निकलवा के घर नहीं मिले जी, तैयारी में होंगे तो किसी ने नजर रख रखी होगी। नहीं तो, और पैसे नहीं मिले तो फिर उनकी पासपोर्ट बताया जा रहा है अलग जगह मिले कहीं, कागज जो डॉक्यूमेंट थे ना वो तो मिले नमस्ते चौक पे, डेड बॉडी बता रहे अभी पुलिस वाले मिली, थोड़ी आग चल गए जहाँ ठेका है आग चल गए, क्या लगता है हत्या की? ये है नहीं, शक हमने किसी पे नहीं, पैसे वगैरह छीनने के लिए और जाली है जो एंट्री है कॉपी में 49000 की, पैसे कटवाए उन्हें और वो नहीं मिले तो क्या है? घर से आने जिस तरह आम आए थे उस तरह डेली इस तरह हर महीने आते थे। आप देख सकते हैं कि रात को एक बुजुर्ग जो है अपने घर से फौजी बताया जा रहा है, रिटायर्ड वो फौजी थे और जबर सिंह जो है उनका नाम बताया जा रहा है। मैं सभी से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने जो है पेंशन निकलवा कर वो चल रहे थे, उसके बाद आपको बता दें कि किस तरह से उनकी पेंशन के पैसों की जो एंट्री दिखा रहे हैं बट जो वो पैसे उनके आसपास बरामद नहीं हुए हैं, तो इससे आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस पैसों की वजह से भी उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो किसी तरह की जो है ये देखने को नहीं मिला है कि ये कोई एक्सीडेंट हो या कुछ हो, क्योंकि बताया जा रहा है ये हत्या है। सेक्टर 4 के आसपास जो है उनकी बॉडी बरामद होती है। सभी से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, उन्हें देखो कहीं ना कुछ तो मिलेगा, अब नहीं मिलेगा हम अपने दम पर करेंगे। तो हो सकता है किसी ने नजर रखी हो पहले से, उनको पता हो पेंशन भी हो सके, ये और क्या, आप क्या समझो क्या पुलिस में मैंने पैसे कटवा लिए, पैसे भी नहीं मिले, डेड बॉडी मिलती है और मिलती भी गलत जगह है, उस साइड मारा जाना कोई तुक नहीं बनता, ओमद की साइड है, नमस्ते चौक की साइड है, या गुआ करके उसको कुछ या सुंगाया गया हो या कुछ भी हो सके।
अभी तो देखो पोस्टमार्टम जो होगा उसके बाद की रिपोर्ट आओगी। जिस जगह से उठाया नहीं, इतनी भीड़ भाड़ का एरिया, नहीं चोट के निशान नहीं है जी, हाथों में माटी जरूर है, जैसे गर्दन में मिट्टी लग रही है, गर्दन में मिट्टी, हाथों में हमने जो पहचान करी सड़क किनारे मिले, वो तो पुलिस ने पता जी, पुलिस लेकर नहीं, सेक्टर 4 चौकी के लेकर आए पुलिस ने, आपको इन्फॉर्म करा कि डेड बॉडी मिली? हां हां, पुलिस ने नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया, जो कागज उसके कागजात थे ना उनको उसका नंबर लिख रहा था कुत्ते का, तो जैसे ही उसको कागजात कहीं और मिले तो उसका बाद उसने फोन किया कागजों से नंबर लेके कि भाई आप ये कागज है इनके, तो हम किसी तो व्यक्ति ने देखा, किसी टाना गांव का जी को ड्राइवर वहां, तो उसने कागज मिले हुए नंबर फोन किया कि भाई फोन, हम जैसे ही वहां से भाग गए तो थोड़ी देर बाद पता लगता है कि भाई डेड बॉडी है, तो उसकी पहचान कर लो किसकी है, तो हम तो उसके बाद पता लगा कि हमारा तो दादाजी एक्सपायर हो गए, इसने कर दिया उसके साथ हादसा, किसी पे शक वगैरह? शक तो किसी पे नहीं है, पता लगेगा कोई तो गांव का है, कोई बाहर का है, पुलिस पता लगेगी, गांव में भी मिलन सार आदमी से किसी के साथ कोई बैर नहीं, बैर नहीं है सारी, सिर्फ अकेले ही आवा, अकेले जाओ ये नू भी नहीं भाई, पहली बार। तो आप देख सकते हैं कि पेंशन लेने के लिए अपने घर से जो है वो निकले हुए थे, सभी से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, रिटायर फौजी जबर सिंह उनका नाम बताया जा रहा है, अपने घर से पेंशन लेने के लिए निकलते हैं, पेंशन के पैसों की जो है एंट्री भी वहां पर दिखाई है बट पैसे नहीं मिले और जो दस्तावेज है वो भी अलग मिले हैं, और ओंगद गांव के रहने वाले थे और सेक्टर 4 के आसपास डेड बॉडी मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं हत्या की जो है आशंका जताई जा रही है उन्हीं पैसों को लेकर जो उन्होंने पेंशन के पैसे अपने निकलवाए थे। सभी से अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से कल्पना चावला की मोर्चरी हाउस से, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर और कमेंट कर अपनी राय दे कि किस तरह से जब एक व्यक्ति अपने घर से निकलते हैं उसके बाद घर नहीं पहुंचते हैं, रिटायर्ड वो फौजी हैं, और किस तरह से करनाल में जो है इस तरह के वाक्य बढ़ते जा रहे हैं, लगातार सामने आता है कि मर्डर हो गया। जी हाँ, आज भी जो है इस बात की यही आशंका जताई जा रही है कि एक हत्या है, क्योंकि अगर ये एक एक्सीडेंट होता तो वो पैसे आसपास जरूर बरामद होते जो उन्होंने अपने पेंशन निकलवाई थी। सभी से अपील इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।